सत्ता को हासिल कर सियासतदारी सीखना आम बात है। मसला तो आवाम का है, पत्तों के झरोखों की तरह बिखरी तो सत्ता की कुर्सी हिलते देर नहीं लगती। लोकसभा के परिणाम आने के बाद एनडीए सरकार ने अपनी तीसरी बार सरकार बनाई है और सत्ता की कमान संभालते हुए शुरू हुआ पीएम मोदी का 3.0 का कार्यकाल। लेकिन यह कार्यकाल के प्रारंभ के साथ कई ऐसे सवालों के घेरे में लेकर विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हैरानी इस बात की है कि इस पर अभी तक सरकार ने चुप्पी साध रखी है और इसके साथ पीएम नरेंद्र मोदी भी खुल करके संसद में कोई चर्चा नहीं कर रहे। विपक्ष नेता राहुल गांधी ने संसद के भीतर इन मुद्दों पर खुल करके बोला और सरकार से सवाल किया, मगर अभी तक ना तो सरकार ने कोई बड़े फैसले लिए हैं और ना इन मुद्दों पर चर्चा की है। यह चुप्पी जनता को भी भा नहीं रही। अब आज इन बातों का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं वो आपको बताते चले। दरअसल भाजपा सरकार ने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ कई बड़े फैसले लेने की बात भी कही थी और अपने मैनिफेस्टो में बकायदा इनका जिक्र भी किया था। वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी, मुस्लिम आरक्षण खत्म करना, अग्निवीर स्कीम में सुधार, वक्फ बोर्ड खत्म करना और भी। मगर अभी तक सरकार इन मुद्दों पर काम नहीं कर पाई है। हालांकि अग्निवीर पर 10% आरक्षण दिया गया है, मगर उससे भी युवा खासा खुश नहीं है। बीते 10 सालों में और तीसरी बार सरकार के सत्ता पर आते ही कई ऐसे हादसे हुए जो अब सरकार के कामों पर सवाल उठा रहे हैं। गौर करें तो सरकार ने महंगाई, राम मंदिर, रोजगार और आतंकी हमलों पर रोक के साथ विकास करने, भारत को विकसित भारत बनाने जैसे आवाम से वादे किए थे, मगर बरसात आते राम मंदिर, अयोध्या की तस्वीरें सबने देखी। तीसरे कार्यकाल के साथ लगातार आतंकी हमले हुए जिसमें आतंकवादियों ने निशाना बनाया तीर्थ यात्रियों से भरी बसों को। रोजगार का मुद्दा तो था ही, मगर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक और विपक्ष के सवालों के अनुसार 2019 के अब तक 65 पेपर लीक हो चुके हैं जो युवाओं के भविष्य को किस अंधकार की ओर ले जा रहे हैं इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। रेल हादसों का आकलन करना ही बेकार है। बीते 10 सालों में 750 जाने जा चुकी हैं और अब तक इस पर निजात दिलाने वाले काम अंतिम छोर तक नहीं पहुंचे। मगर सवाल ये खड़े इस बात से नहीं हो रहे कि कमी कहां कहां है। सवाल ये है कि जो सरकार 2014 से 2019 में शपथ लेते ही बड़े बड़े फैसले लेती थी, वो इस बार 35 दिन बीत जाने के बाद भी कोई बड़े फैसले क्यों नहीं ले पा रही है, और वो भी तब जब सत्ता में आने से पहले ही सरकार ने 100 डेज का रोडमैप तैयार करके रखा है। वजह की ओर जोड़ दे तो ऐसा लगता है भाजपा का बहुमत में न होना, विपक्ष का पिछले कार्यकाल से ज्यादा यानी 150 से अब 250 का होना, सहयोगी दलों की अपनी अपनी मांगे अपने राज्यों को लेकर, संगठन और आरएसएस के संबंध में खराबी, वजह जो भी हो मगर यह सवालों को लेकर के विपक्ष मजबूती से खड़ी है और जनता के भीतर भी यह बातें घूम रही हैं। अब ऐसे में क्या करेगी एनडीए सरकार, यह देखने वाला विषय रहेगा।